फ्रेंड्स कई बार देखा जाता है कि हमसे जल्दीबाजी में या हमारी ही मिस्टेक से कोई हमारी इंपॉर्टेंट फाइल हमारे कंप्यूटर से हमसे डिलीट हो जाती है। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि उस फाइल को रिकवर कैसे करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जब भी हमारे कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट होती है तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, ये मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर है ये ई ड्राइव, इसमें मेरे कुछ सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंटर। इसके बाद इनको मैं यहाँ से रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देता हूँ। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको उस ड्राइव में, जिस ड्राइव से आपका कोई भी डेटा डिलीट हुआ है, वहाँ पर आपको कुछ भी और सेव नहीं करना है, वरना आपका जो डेटा डिलीट हुआ है वो ओवरराइट हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि जब भी हमारे कंप्यूटर से कोई डेटा डिलीट होता है तो वहाँ हमें फिर से अगर रिकवर करना चाहते हैं तो हमें उसमें और कोई डेटा इंसर्ट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो रही बात फाइल को डिलीट करने की, अब बात कर लेते हैं फाइल को रिकवर कैसे करें। तो फ्रेंड्स फाइल को रिकवर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, जो कि आता है वंडर शेयर कॉर्पोरेशन की तरफ से, वंडर शेयर का रिकवर इट। और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा वंडर शेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने डाउनलोड इसे पहले से कर रखा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। और डाउनलोड करने के जस्ट बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। फ्रेंड इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी डेस्कटॉप पे एक इस तरीके का आइकन दिखाई देगा, इस आइकन को आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें आपको बहुत सारी फाइलों के टाइप मिल जाएंगे। जैसे अगर आपकी फोटो की फाइल डिलीट हुई है तो आप फोटो वाली फाइल पर सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी MP3 फाइल डिलीट हुई है तो आपको MP3 वाली ऑडियो वाले सेक्शन पर टिक करना है, अगर आपकी वीडियो फाइल डिलीट तो आपको इस वाले सेक्शन पर टिक करना है, और आपका कोई और फाइल है तो आपको अदर्स पर टिक कर देना है। तो मेरी यहाँ पर MP3 की फाइल डिलीट हुई है और मुझे उन्हीं को रिकवर करना है, तो मैं यहाँ पर ऑडियो पर टिक करके यहाँ पे यहाँ नेक्स्ट कर जाऊँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ आपको अपने सारे कंप्यूटर के जितने भी आपको स्टोरेज डिवाइस होंगी या आपकी ड्राइव होंगी वो सारी आपको यहाँ पर कनेक्टेड दिखाई देंगी, और आपको यहाँ पे अपने उस ड्राइव को चल लेना है जिसमें से आपका डेटा डिलीट हुआ है। तो मेरा यहाँ पर डेटा डिलीट हुआ था वो थी हमारी यहाँ पर ई ड्राइव, तो मैं यहाँ पर ई ड्राइव पे टिक करके स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर ये स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्कैन होने में जो टाइम लगेगा वो आपकी स्टोरेज डिवाइस के साइज पे और जिस टाइप की आपकी फाइल डिलीट हुई है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी हो सकता है। और मेरी जो फाइलें रिकवर हो चुकी हैं यहाँ पे इनका स्टेटस दिखा रहा है गुड गुड गुड, तीनों फाइलों का स्टेटस यहाँ पर गुड है, मतलब इन्हें हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो अब इन तीनों फाइलों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रिकवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और फिर मैं उन्हें यहाँ पे लोकेशन सेव करता हूँ कि इसे यहाँ रिकवर करके हमें कहाँ पर सेव करना है। तो मैं यहाँ से इन्हें रिकवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इन्हें सेव। अब देखें कि हमारी तीनों फाइलें वहीं पर जाकर हमारी दोबारा से रिकवर हो जाएंगी। रिकवर होने के बाद देखेंगे एक और नया फोल्डर बन गया है, इसमें मेरे तीनों सॉन्ग जो डिलीट हुए थे वो प्रॉपर तरीके से रिकवर होके आ चुके हैं। मैं इनको यहाँ से प्ले करके भी देखता हूँ तो ये नॉर्मल प्ले भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपनी किसी भी डिलीट हुई फाइल को आसानी से रिकवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने डिलीट की हुई इंपॉर्टेंट फाइलों को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी गुड इन टेक।